और एक भेद इमेजिन ऑफ यूजर इंटरफेस। आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर इन सी, यानी हम सी में कुछ अपने जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उस नेम प्रोग्राम में कुछ एलिमेंट्स के नाम खुद देते हैं। तो जब नाम देते हैं, चाहे फंक्शन का नाम हो सकता है, चाहे एरे का नाम हो सकता है, चाहे स्ट्रक्चर का नाम हो सकता है, चाहे वेरिएबल का नाम हो सकता है, यानी प्रोग्राम में किसी भी एलिमेंट का नाम जब हम खुद देते हैं तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्यों लेते हैं इसका यूज हम आगे देखेंगे। तो आइडेंटिफायर पढ़े, तो आइडेंटिफायर वाले क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएबल, फंक्शन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, एरे का नाम भी हो सकता है, पॉइंटर का भी नाम हो सकता है। तो इनके नेम जो है वो आइडेंटिफायर। तो हम आइडेंटिफायर जब लेते हैं मतलब वो नाम लिखते हैं, कैसे, हमने लिखा ए तो ये वेरिएबल हो गया, हमने लिखा ए बी सी ये वेरिएबल है, हमने कहा नंबर वन ये वेरिएबल है, यानी आइडेंटिफायर है। इसको कैसे लेते हैं ये प्रोग्राम में हम समझ जाएंगे। अभी सिर्फ आपका समझे आइडेंटिफायर का मतलब होता है प्रोग्राम के किसी भी एलिमेंट का नाम लेना। तो उस आइडेंटिफायर को हम कैसे बनाते हैं, अभी थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक में जैसे हमने बताया था मेरे टाइप्स इन सी, अगर आपने ये नाम पढ़ा हो तो आपने हमारी पुरानी वीडियो से वो देख लें, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा मेरे टाइप्स क्या होते हैं। और अगर आपने मेरे टाइप्स पढ़ लिया है तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बात की मेरे टाइप्स की, उसमें इन कहा था कि इन मेरे टाइप्स है, हमको एक वेरिएबल बनाना है, हमने इन के लिए लिया ए वेरिएबल बन गया, यानी बता रहा है कि हमारा वेरिएबल है ए, ये इंटीजर टाइप वैल्यू को रखेगा, ये ए हो गया आइडेंटिफायर। प्रोग्राम में एक वेरिएबल का नाम मीन्स वेरिएबल का यूज हो गया किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एक नाम हमने लिया जो वेरिएबल कहलाता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमको एक वैल्यू चाहिए है 10, तो हम लिखेंगे इंट ए इक्वल टू 10, ये हो गया डेटा टाइप और ये हो गया वेरिएबल, इसको हम आइडेंटिफायर भी बोलेंगे, और ये हो गई वैल्यू। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये टाइप हो गया वेरिएबल हो गया ये वैल्यू हो गया। तो मेरा टाइप ये बता रहा है कि इस आइडेंटिफायर में यानी इस वेरिएबल में आप इंटीजर टाइप वैल्यू को रखेंगे। तो डेटा टाइप का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कि डेटा टाइप ये बताता है इस वेरिएबल में किस टाइप वैल्यू को रखेंगे। हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं, ये फ्लोट वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू रखना चाहेंगे कि ये फ्लोट है, हमने कन्वर्ट कर लिया कि ये फ्लोट हो गया। अगर हमने यहाँ पे पैर लिख दिया और ए लिख दिया इक्वल टू ए लिख दिया तो ये वेक्टर वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से डेटा टाइप का यूज हम करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा डेटा टाइप किसे यूज हो रहा है, वेरिएबल को बनाने के लिए, बताने के लिए कि ये वेरिएबल में कौन सा डाटा दिखाता है, यूनिट टाइप्स की बात। अब इस वेरिएबल का नाम यानी आइडेंटिफायर जो है, इसको बनाते समय कुछ रूल्स की जरूरत होती है, यानी रूल्स हमको समझने होते हैं कि रूल्स क्या है। तो इसके रूल्स समझते हैं, इसके रूल्स क्या क्या है पढ़ते हैं आइडेंटिफायर के रूल्स। पहला स्पेस अलाउ नहीं होता, जो भी नाम हम लेंगे उसमें स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे हमने कहा इंट ए, हमने कहा इंट नंबर वन, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस अलाउ नहीं है नेम में। नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन नाम जब लें तो उसमें ये बातों का ध्यान दें, ये रूल है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया था। दूसरा कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, कीवर्ड भी अलाउ नहीं है, यानी सी लैंग्वेज में कुछ बने बनाए कीवर्ड्स हैं स्पेशल पर्पस के लिए बने बनाए कुछ वर्ड्स हैं, लाइक फॉर है, इन, कैर, लोड, डबल, इफ, एल्स, व्हाइल, बहुत सारे। तो इनका यूज हम स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं। तो जो बने बनाए रिजर्व वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कहा जाता है, उस नाम के किसी वेरिएबल का नाम यानी आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता। तो ये बताया गया कीवर्ड्स और यानी अगर एग्जांपल में हम देखते हैं इंट फॉर, तो ये फॉर एक कीवर्ड है, इस नाम से वेरिएबल नहीं हो सकता।
ये कीवर्ड हो गया। थर्ड साइन इन स्पाइट ऑफ अंडर स्कोर सॉरी आर नॉट अलाउड, जो साइन होते हैं चाहे कॉमा हो चाहे डॉट हो या डबल कोट्स हो, ये सब दलीलों के साथ अलाउड नहीं है सिवाय अंडर स्कोर साइन, यानी हम अंडर स्कोर साइन भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और साइन यूज नहीं कर सकते। कैसे? एग्जाम्पल में हमने कहा इंट नंबर अंडर स्कोर वन, तो ये अंडर स्कोर अलाउड है। अगर आप यहाँ पे डॉट लगा दें डॉट अलाउड है, आप यहाँ पे कॉमा लगा दें कॉमा अलाउड है, यानी आप इसके बीच में कोई भी और साइन यूज नहीं कर सकते सिवाय अंडर स्कोर। क्या समझे होंगे? और फोर्थ रूल है आपका नेम मस्ट बी स्टार्ट विद लेटर, जो नेम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, मीन्स वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो लेटर से स्टार्ट होगा, मीन्स अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल जैसे आपने लिख दिया नेम वन नंबर, ये हो गया रॉन्ग क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट, ये रॉन्ग हो गया। हम इसको लिखें हम लिखें इन नंबर वन, ये ठीक। तो इस तरीके से हमने ये जाना आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर को बनाते समय कितने रूल हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रोग्राम में किसी भी एलिमेंट का नाम हम जब खुद लेते हैं तो वो आइडेंटिफायर होता है, और उस नाम को बनाते समय कुछ रूल हमको फॉलो करने होते हैं। वो रूल ये सामने है कि स्पेस अलाउ नहीं है, कीवर्ड्स के नाम पर नहीं हो सकता वो नाम, साइन अंडरस्कोर के अलावा कोई और यूज नहीं करेंगे, और नेम हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, उसको नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता। तो हमें उम्मीद है कि आपको आइडेंटिफायर समझ में आया होगा कि क्या है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल और एक डेटा टाइप यानी उसके दोनों के साथ प्रोग्राम में दोनों ही यूज करना पड़ेगा, तो उसके साथ हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप समझ जाएंगे कि हम उनका यूज कैसे करेंगे। तो थैंक यू।